नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मणिपुर के वायलेंस के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा है, तो इसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ है। आपने कई सारे इसमें मीडिया कवरेज देखे होंगे, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि मणिपुर में डिस्प्यूट हो रहे हैं, राइट्स हो रहे हैं। ठीक है, शाह ने 15 डेज के लिए पीस के लिए अपील की है इन दी मणिपुर। तो समझते हैं आज को, आज के दिन की व्हाट इज़ द इशू ऑफ दी मणिपुर, व्हाट इज़ द एक्चुअल इशू ऑफ दी मणिपुर। देखिए, अगर मणिपुर का मैप देखा जाए तो ये है मणिपुर का मैप। मणिपुर हमारे स्टेट में इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। अगर हम मणिपुर की लोकेशन देखें तो मणिपुर हमारे नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, ठीक है। और इसकी भी जो आप ये रेड लाइन की बाउंड्री देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, ये मणिपुर का स्टेट है। ओके नाउ, अब यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि ये जो व्हाइट कलर का एरिया आप देख रहे हैं, ये व्हाइट कलर का एरिया, दिस व्हाइट कलर एरिया, ये क्या है, ये वैली रीजन है। ओके और बाकी का जो आप ग्रीन कलर का ये एरिया देख रहे हैं, ये हिल का रीजन है, ठीक है, ये हिल का रीजन है। ठीक, अब प्रॉब्लम ये है कि जो हिल का ये रीजन है, ठीक है, इस हिल के रीजन में ट्राइब्स रहती हैं। कौन कौन सी, जैसे नागा ट्राइब हो गई, ठीक है, कुकी ट्राइब हो गई, ये हिल रीजन में ट्राइब्स रहती हैं। ओके, जो कि अकाउंट करती है नियर अबाउट 35% ऑफ दी दैट 35% ऑफ दी पॉपुलेशन। और कुछ लोग यहाँ पर रहते हैं वैली रीजन में, ठीक है। और वैली रीजन में कौन लोग रहते हैं, दे आर दी मेटीज। अब वैली रीजन में मेटी रहते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि जो जो नागर और कुकी ट्राइब है, इनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस प्राप्त है, बट मैटी ट्राइब जो है, इनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस नहीं प्राप्त है। तो मणिपुर के जो हाई कोर्ट है, तो मणिपुर के हाई कोर्ट ने एक मैंडेट दिया कि जो मैटी ट्राइब है उसको भी शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जाए, ठीक। बट प्रॉब्लम यह है कि अगर मैटी ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दे दिया गया तो क्या होगा, 90% ऑफ द मणिपुर के लोगों को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिल जाएगा। तो उसका क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, ये जो रीज़न है, ठीक है, ये जो रीजन है, ये बेसिकली स्टेट का सिर्फ 10% एरिया है, ठीक है। बाकी जो 90% एरिया है, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, ये जो रीजन है, ये सिर्फ 10% एरिया है पूरे मणिपुर का, और बाकी का जो हिल एरिया है वो 90% एरिया है, ठीक। बट इवन इस 10% के एरिया में क्या है, लगभग अगर बात किया जाए तो पॉपुलेशन के बिहाफ पे 64% जो पॉपुलेशन है इस 10% के एरिया में रहती है, ठीक है। अगर इनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सीट के बारे में बात किया जाए तो टोटल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सॉरी जो एमएलए की सीट है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट है, तो उसके जो 40 MLA हैं वो इस वैली रीजन से आते हैं, बट और जो सिर्फ 20 MLA हैं वो एक उस हिल रीजन से आते हैं। और मैक्सिमम जो डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी कहाँ पे हो रहे हैं, इसी वैली रीजन में हो रहे हैं। तो इस वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहा है कि ये वैली रीजन पहले से ही इतना डेवलप्ड है, ठीक है। तो इसको शेड्यूल ट्राइब देने का क्या कोई मतलब नहीं बनता, और अगर इसको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिल गया तो क्या होगा, 64% पॉपुलेशन को लगभग स्टेटस मिल जाएगा, लगभग सारी पॉपुलेशन को स्टेटस मिल जाएगा। तो अगर हर एक व्यक्ति को अगर एसटी का स्टेटस मिल गया तो प्रॉब्लम्स होंगी। अब मेटी जो प्रॉब्लम है, जो मेटी ट्राइब है, ठीक है, जो मेटीज ट्राइब हैं, इनका क्या इशू है, इनका ये कहना है कि क्योंकि इनको एसटी स्टेटस नहीं प्राप्त है अभी, इनको करंट टाइम पे ओबीसी का, ठीक है, और एससी का स्टेटस प्राप्त है, क्योंकि इनको एसटी का स्टेटस नहीं प्राप्त है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बाहर के लोग यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है, जो हिल एरिया के जो लोग हैं, ठीक है, ये जो हिल एरिया के जो लोग हैं वो यहाँ पर वैली में आके ज़मीन खरीद सकते हैं, अपना व्यापार कर सकते हैं, बट जो वैली के लोग हैं वो यहाँ पर जाके लैंड परचेज नहीं कर सकते हैं। तो ये दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम। दूसरी चीज़, क्योंकि यहाँ से आपको दिख रहा है कि म्यांमार से बॉर्डर लगता है, ठीक है, अब ये म्यांमार का बॉर्डर है, ठीक है। अब म्यांमार से बॉर्डर लगने की वजह से क्या है, क्योंकि म्यांमार का जो बॉर्डर है वो एक पोरस बॉर्डर है। कैसा, ये म्यांमार है, यहाँ पर जो बॉर्डर है वो पोरस है। पोरस का मतलब क्या होता है कि लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं, तो कई सारे लोग बाहर से आ रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो जो वैली रीजन है उसका जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो क्या हो रही है, वो डिस्टॉर्ट हो रही है। इसीलिए जो मणिपुर में जो वैली रीजन में जो मेटी ट्राइब्स रहते हैं, उनकी ये डिमांड है कि उनको एसटी स्टेटस दिया जाए, और जो कि मणिपुर के हाई कोर्ट ने भी कह दिया है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे।
ठीक है। तो ये देखिए, मैं जैसे मैंने बताया कि ये जो है दिस इज़ दी वैली रीजन, ठीक है। और जितने भी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो यहीं पर इसी वैली रीजन में होते हैं, जो कि अकाउंट करता है नियरली 10% ऑफ द रीजन, ठीक है, जियोग्राफिकल एरिया का। और बाकी का जो एरिया है वो लगभग 90% है, पर इस 10% में कितने लोग रहते हैं, लगभग 64% पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है। जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं वो यहीं पर होते हैं, ठीक है। हिल एरिया के लोग यहाँ पर आके लैंड खरीद सकते हैं, बट वैली के लोग यहाँ पर जाके लैंड नहीं खरीद सकते हैं, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। मणिपुर के बात बारे में अगर थोड़ी सी और बात किया जाए तो मणिपुर जो है, ठीक है, ये क्या है, मणिपुर इज आर हमारा जो है ये 19th स्टेट है, ठीक है। मणिपुर हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो है ये दिस इज अ 19th स्टेट, तो इसको 19वां स्टेट दिया, स्टेट इसका जो स्टेटसहुड है इसको मिला था इन द ईयर ऑफ 1972। और जैसे मैंने बताया कि मणिपुर जो है मणिपुर, ठीक है, इट इज डिवाइडेड इन दी टू पार्ट्स, विच वन, फर्स्ट वन इज दी वैली रीजन, द सेकेंड वन इज द हिल रीजन, ठीक है। वैली रीजन क्या है, वैली रीजन जो है वो नियरली 10% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है, एंड दिस नियर अबाउट 90% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया, बट ये 10% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया है, बट दिस होल्ड्स 64% ऑफ द पीपल नियरली, ठीक है, एंड दिस द रेस्ट वन। अगर एमएलए की सीट्स के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर लगभग 40 MLA की सीट है, और यहाँ पर नियर अबाउट 20। जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, वैली रीजन्स में होते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नाउ व्हाट इज़ द ग्राउंड ऑफ द डिमांड, ठीक है, डिमांड हो क्यों रही है। जैसे मैंने बताया कि जो वैली रीजन के जो मेटी ट्राइब्स हैं, ठीक है, तो मेटीज़ क्या चाहते हैं, दे वॉन्ट टू प्रोटेक्ट, ठीक है, दे वॉन्ट टू प्रोटेक्ट देयर लिंग्विस्टिक, देयर कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है। और एसटी स्टेटस मिलने के बाद ये चीज़ें हो सकती हैं। एसटी स्टेटस मिलने के बाद कोई भी हिल एरिया का, ठीक है, हिल एरिया का कोई भी इंसान आके वैली में प्लॉट नहीं खरीद सकता, ज़मीन नहीं खरीद सकता। तो इस तरह से क्या होगा कि उनकी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो उनको कंजर्व प्रिजर्व किया जा सकता है, ठीक है। और उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि 2012 में शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमेटी बनी थी, ठीक है। इस शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमेटी ने कहा था, क्या कहा था, कि जो मणिपुर के जो मिटी ट्राइब्स हैं, ठीक है, उनको एसटी का जो स्टेटस है वो दिया जाए। तो इस शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमेटी बनी थी 2012 में, ये उन्होंने कहा था कि एसटी कमेटी को सॉरी जो मेटी कमेटी है, मेटी कम्युनिटी है, उसको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जाए। तो ये किसने कहा था, ये दिस वाज द डिमांड रेज्ड बाय द एसटी डिमांड कमेटी, ओके। एंड यू शुड आल्सो नो दिस थिंग, इन द ईयर ऑफ 1949, ठीक है, 1949 में पहले मींस बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग जो मेटी ट्राइब्स हैं उनको एज ए एसटी स्टेटस दिया हुआ था हम लोगों ने, ठीक है। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। अब आगे बात किया जाए, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड मीन्स अब हम आगे क्या कर सकते हैं या आगे क्या होना चाहिए इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो देखिए, क्योंकि जो स्टेटस है एसटी का स्टेटस वो बेसिकली एक रीजनेबल क्राइटेरिया पे मिलना चाहिए, तो क्या कोई कमेटी है ऐसी जिन्होंने कुछ रिकमेंड किया है रिगार्डिंग दिस। हाँ बिल्कुल है। द फर्स्ट यू शुड नो अबाउट द लोकूर कमेटी, ओके। नाउ ये कमेटी का जो गठन हुआ था, द फॉर्मेशन ऑफ दिस कमेटी हैपन इन द ईयर ऑफ 1965, ठीक है। एंड दिस कमेटी रिकमेंडेड दी फाइव क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स, फाइव क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स। नंबर वन, दैट द ट्राइब शुड हैव द प्रिमिटिव ट्रेड, प्रिमिटिव ट्रेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिमिटिव ट्रेड, कि जो उनकी जो जो भी जो ट्रेड्स वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दैट शुड बी प्रिमिटिव। द सेकेंड वर्जन इज दी डिस्टिंक्टिव, डिस्टिंक्टिव कल्चर मीन्स द कल्चर शुड बी डिस्टिंक्टिव, ओके। एंड थर्ड इज जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल आइसोलेशन,
ओके मीन्स वो क्या होने चाहिए, वो ज्योग्राफिकली आइसोलेट होने चाहिए, मीन्स दे आर नॉट इन कॉन्टेक्ट विद द लार्ज कम्युनिटी. एंड द फोर्थ वन इज द शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट, शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट. एंड द फिफ्थ वन इज बैकवर्डनेस. ओके नाउ दीज आर द फाइव क्राइटेरिया दैट वर रिकमेंडेड बाई द लोकुर कमिटी इन द ईयर ऑफ 1965. ठीक है, सो दिस यू शुड नो दैट देयर इज अ फाइव क्राइटेरिया ऑन विच वी डिसाइड वेदर अ ट्राइब कैन बी डिक्लेयर्ड एज द एसटी ट्राइब और नॉट. ओके नेक्स्ट इज यू शुड नो अबाउट द भूरिया कमिटी. ओके नाउ व्हाट इज द भूरिया कमेटी, व्हाट इज द रिपोर्ट सेड बाय भूरिया कमेटी. दिस भूरिया कमेटी केम इन द ईयर ऑफ 2002 to 2004. ठीक, नाउ दिस भूरिया कमेटी सेड दैट वी शुड फोकस ऑन द वाइड रेंज ऑफ द इश्यूज और वाइड रेंज ऑफ द टॉपिक दैट आर इंक्लूडेड इन द फिफ्थ शेड्यूल टू द शेड्यूल ट्राइब्स. हमें पता है कि इन द कॉन्स्टिट्यूशन देयर फिफ्थ शेड्यूल्स, ओके एंड देयर सिक्स शेड्यूल्स ऑल्सो. ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल्स और सिक्स शेड्यूल्स. फिफ्थ शेड्यूल में क्या आता है, जो भी सारे एरियाज हैं, ठीक है, ट्राइबल एरिया जो हैं वो किस में आएंगे, वो फिफ्थ शेड्यूल पे आएंगे. बट सिक्स शेड्यूल में कौन सा आएगा, इसमें कौन से आएंगे, ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम. तो ये जो चार आएंगे वो किस में आएंगे, सिक्स शेड्यूल में, एंड द रेस्ट विल बी इन द फिफ्थ शेड्यूल. तो यहाँ पर क्या बात किया गया कि फिफ्थ शेड्यूल टू द ट्राइबल लैंड, यानी कि हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे किस में, ऑन द इश्यूज जो कि मेंशन है कहाँ पर, इन द फिफ्थ शेड्यूल. ओके और कौन कौन सी चीज़ें होंगी उसमें, उसमें होंगी जस्ट लाइक व्हाट वी कॉल्ड द ट्राइबल लैंड. ठीक है, नेक्स्ट इज द फॉरेस्ट एंड द हेल्थ ऑफ द ट्राइबल एंड द एजुकेशन. ओके एंड द वर्किंग ऑफ पंचायत. ठीक है, एंड स्टेट ऑफ ट्राइबल वुमेन. तो इन सब पर फोकस करेगा कौन, इन सब पर फोकस करना है हमें अकॉर्डिंग टू द भूरिया कमेटी. तो भूरिया कमेटी का क्या कहना है, कि भूरिया कमेटी कहना है कि भैया हमें क्या करना है, हमें अंडर द फिफ्थ शेड्यूल हमें फोकस करना है ऑन द ट्राइबल लैंड, फॉरेस्ट, हेल्थ ऑफ द ट्राइबल्स, एजुकेशन एंड वर्किंग ऑफ द पंचायत एंड द स्टेट ट्राइबल वुमेन्स. ठीक है, एंड नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज यू प्रॉब्ली हर्ड अबाउट इट, ज़ाज़ा कमेटी. ठीक है, ज़ाज़ा कमेटी जो है, ठीक है, तो इसको मिस्टर ज़ाज़ा हेड कर रहे थे एंड ऑन दैट बिहाफ इट का जो नाम पड़ गया वो क्या पड़ गया, ज़ाज़ा कमेटी. ठीक है, इसने क्या किया, इसने स्टडी किया पांच क्राइटेरिया को जो कि इश्यूज थे रिलेटेड टू द ट्राइबल कम्युनिटी. तो पांच क्राइटेरिया को ज़ाज़ा कमेटी ने बेसिकली आइडेंटिफाई किया था. तो उसको हम देखते हैं कौन कौन से पांच क्राइटेरिया है. द फर्स्ट वन इज़ द लिवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट. सो दिस टॉक्स अबाउट द लिवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द ट्राइबल पर्सन. एंड द सेकेंड इज द एजुकेशन. ओके सो सेकेंड इज द एजुकेशन. सो कमिटी सेट दैट वी शुड फोकस ऑन द एजुकेशन ऑफ द ट्राइबल्स एंड द हेल्थ ऑफ द ट्राइबल एंड द इन वॉलेंट्री डिस्प्लेसमेंट. ओके एंड माइग्रेशन. तो इस पर भी हमको फोकस करना है एंड वी हैव टू ऑल्सो फोकस ऑन द लीगल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर. ठीक है, सो दिस कमिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो यू शुड ऑल रिमेंबर दिस नेम, द ज़ाज़ा कमिटीज़ फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स. ठीक है, तो ज़ाज़ा कमिटीज़ फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स. तो ये सारी चीज़ें करनी है हमें. ठीक है, दिस इज ऑल्सो ऑल अबाउट द ST कम्युनिटी. ठीक है, अब हम बात करेंगे, जैसे मैंने बताया भी कि जो मेटी ट्राइब है, ठीक है, तो मेटीज जो हैं बेसिकली ये फाइट कर रहे हैं फॉर द ST
मीन्स दी ट्राइबल स्टेटस। ओके, तो बेसिकली जो ट्राइबल स्टेटस है ये मिलता कैसे है, ठीक है, क्या प्रोसेस होता है इसका। देखिए अभी क्या हुआ है कि जो मणिपुर की जो हाई कोर्ट है, ठीक है, उस मणिपुर की हाई कोर्ट ने क्या किया है, हाई कोर्ट ने एक मैंडेट दे दिया है, ठीक है, कि भाई जो एसटी स्टेटस है वो दिया जाए किसको, ट्राइबल कम्युनिटी मेटी को, जो कि वैली रीजन में रहती है मणिपुर के। नाउ व्हाट विल बी द प्रोसेस, द प्रोसेस विल बी दैट फर्स्ट द स्टेट गवर्नमेंट विल मेक द रिकमेंडेशन। ओके, सो फर्स्ट द स्टेट गवर्नमेंट विल मेक द रिकमेंडेशन किसको, टू द ट्राइबल मिनिस्ट्री। ओके, द स्टेट गवर्नमेंट विल मेक द रिकमेंडेशन टू द ट्राइबल मिनिस्ट्री, देन द ट्राइबल मिनिस्ट्री विल रिव्यू दिस रिकमेंडेशन एंड द ट्राइबल मिनिस्ट्री विल फर्दर फॉरवर्ड दिस रिकमेंडेशन टू द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, तो दिस यू शुड नो। आफ्टर दैट रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया विल फॉरवर्ड दिस एप्लीकेशन टू द नेशनल कमीशन फॉर एसटी। नाउ प्लीज फोकस अटेंशन हेयर दैट इफ वी आर गिविंग द एसटी स्टेटस देन इट विल बी नेशनल कमीशन फॉर एसटी, बट अगर इफ वी आर गिविंग द एससी स्टेटस सो इन प्लेस ऑफ दिस देर विल बी नेशनल कमीशन फॉर एससी, ठीक है, सो दिस यू शुड नो, नेशनल कमीशन ऑफ एससी एंड नेशनल कमीशन ऑफ एसटी। ओके, एंड दिस कम्स अंडर द आर्टिकल 340, ठीक है, ओके 338, 338, ठीक है, सो नेशनल कमीशन ऑफ एससी कम्स अंडर द 338 एंड नेशनल कमीशन ऑफ एसटी कम्स अंडर द 338A, और एक और होता है नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, दिस कम्स अंडर द 338B, तो ये आपको आर्टिकल पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर दैट जब ये नेशनल कमीशन ऑफ एससी या एसटी के पास जाता है रिगार्डिंग जो भी है, अगर एससी स्टेटस देना है तो एससी के पास जाएगा, एसटी देना है तो एसटी के पास जाएगा। आफ्टर दैट व्हाट हैपन दैट इट मूव्स टू द कैबिनेट, नाउ कैबिनेट टेक द रिव्यू ऑफ द एप्लीकेशन एंड आफ्टर दैट इट इंट्रोड्यूस द बिल इन द पार्लियामेंट। ओके, एंड इफ द बिल पास बाय द लो बोथ द हाउसेज ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा देन इट विल फर्दर मूव टू द प्रेसिडेंट ऑफिस। नाउ प्रेसिडेंट ऑफिस, फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफिस इसको क्या मिलेगा, इसको रिकमेंडेशन मिलेगा अंडर द आर्टिकल 341 और 342, ठीक है, सो अंडर द आर्टिकल 341 एंड 342, नाउ यू कैन सी हियर, हियर इज द 341 एंड 342। अंडर द आर्टिकल 341 क्या होता है कि बेसिकली द प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट ग्रांट द एससी स्टेटस टू द शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट पीपल, ठीक है, और एनी ट्राइब। नाउ 342 के अंदर क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो एसटी स्टेटस देता है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बात कर लिया कि 341 में क्या हो जाएगा, ये एससी के लिए है और ये एसटी के लिए है, बस अब यहाँ पर जहाँ जैसे ही प्रेसिडेंट ने असेंट दी देन दिस बिकम अ लॉ, और उसके बाद वो जो ट्राइब होगी दैट ट्राइब विल बी इंक्लूडेड इन दी एससी और एसटी जो भी क्राइटेरिया दिया गया है उसके बिहाफ पे, ठीक है। तो ये जो न्यूज़ थी, दिस न्यूज़ वॉज रिगार्डिंग थी जो मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा है उसके रिगार्डिंग, ठीक है, आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में, ठीक है, कि न्यूज़ आई थी कि जो भी 35 लाख जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ऑफ द क्लास 10th जो है फेल्ड और ड्रॉप्ड आउट इन दी 2021 टू 2022 एजुकेशन मिनिस्ट्री, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री का ये डेटा है। अब अगर हम बात किया जाए कि हमारे यहाँ पे इंडिया में एजुकेशन का स्टेटस क्या है, ठीक है, करेंट टाइम पे इंडिया में एजुकेशन का स्टेटस क्या है और हमें और क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है, देखिए सबसे पहले तो बात है कि हमारे यहाँ पे क्या है, इंडिया में जो यूथ पॉपुलेशन है, ठीक है, तो यूथ पॉपुलेशन तो बहुत है बट द प्रॉब्लम इज़ दिस यूथ पॉपुलेशन इज़ नॉट स्किल्ड, ठीक है, तो दे डोंट हैव द स्किल, दे डोंट हैव द प्रॉपर स्किल्स कि किसकी जिसकी वजह से उनको एक प्रॉपर जॉब एम्प्लॉयमेंट मिल सके, सो दिस इज अ वेरी डिजास्टरस थिंग, ठीक है, वी हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, ठीक है, और अगर बात किया जाए वी हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन बट इन टर्म्स ऑफ द यूथ, आर यूथ पॉपुलेशन विल बी लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बाई द ईयर ऑफ 2030,
सो बाय द ईयर ऑफ 2030 द यूथ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल बी द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. ओके नाउ नेक्स्ट इशू क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट इशू. नेक्स्ट इशू इज दैट द परसेंटेज ऑफ द जीडीपी वी आर स्पेंडिंग इन द एजुकेशन इज वेरी लेस. करेंटली वी आर स्पेंडिंग नियर अबाउट 3.5% ऑफ द जीडीपी इन एजुकेशन. नाउ दिस अमाउंट इज वेरी लेस इन कंपेयर टू द डेवलप्ड नेशन. डेवलप्ड नेशन इज स्पेंड नियर अबाउट 6-7% ऑफ द परसेंटेज ऑफ द जीडीपी टू दियर एजुकेशन, बट दिस इज नॉट द केस विद द इंडिया. नेक्स्ट इज द टीचर टू पीपल रेशियो. नाउ इन इंडिया द टीचर टू पीपल रेशियो इज नियर अबाउट 24. नाउ दिस इज वेरी बैड. ओके और दिस इज नॉट अप टू द मार्क, बट इन वेस्टर्न सोसाइटी या इन डेवलप्ड नेशन दिस इज द रेशियो इज वेरी गुड. इसका मतलब ये होता है कि द नंबर ऑफ टीचर्स पर स्टूडेंट, सो फॉर वन टीचर देयर इज 24 स्टूडेंट, मीन्स वन टीचर इज हैंडलिंग 24 स्टूडेंट्स. ओके नेक्स्ट टू रिड्यूस दिस डिस्क्रिपेंसीज, ठीक है, इसको हटाने के लिए टू रिड्यूस दिस डिस्क्रिपेंसी वी केम अप विद द NPE, न्यू एजुकेशन पॉलिसी. ठीक, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में. नाउ व्हाट दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी कम अप विद, लुक द फर्स्ट थिंग द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज कम अप विद दैट इट चेंज द एजुकेशनल स्ट्रक्चर. Now how it changed the educational structure, it changed the educational structure from 10+2 to 5-3-4. What is this? 5+3+3+4. So this is the educational structure changed by the new educational policy that came in the year of 2020. Okay, apart from this education policy, what is the focus area of the educational policy of okay, the first is the early childhood care means we need to focus on the early childhood care. Okay, and we need to reform our education system and assessment process. Now assessment process is so much important. Okay, the way you assess the children, the way you evaluating the that how much he has learned till now. Okay, सॉरी आई थिंक वॉइस उस टाइम पे नहीं आ रही थी. सो कंटिन्यू करते हैं इसको. ठीक है, तो मैं बता रहा था कि आई वॉज टेलिंग यू दैट रिफॉर्म्स हमें करने पड़ेंगे कहाँ पर, इन द एजुकेशन सिस्टम एंड द असेसमेंट प्रोसेस. ओके, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, सो बेसिकली द न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज़ ब्रिंग अ लॉट न्यू चेंजेस, एंड उसमें से एक चेंजेस था दैट कि हम अलाउ करेंगे, वी विल अलाउ द फॉरेन यूनिवर्सिटीज. ओके, वी विल अलाउ द फॉरेन यूनिवर्सिटी. पर अभी यहाँ पर हम समझते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस फॉरेन यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज़ द रीज़न कि किसकी वजह से जो ड्रॉप आउट हो रहे हैं बच्चे. ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग कोई रिपोर्ट है हमारे पास? यस, वी हैव द रिपोर्ट. ठीक है, उससे पहले हम अपनी एजुकेशन पॉलिसीज को थोड़ा देख लेते हैं. जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, तो मैंने जैसे बताया कि इसमें क्या है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द 10+2 इंस्टेड ऑफ द, मतलब कि 10+2 की जगह पे क्या आया, 5-3-4 का कॉन्सेप्ट आया है. सो दिस यू शुड नो व्हाट विल डू दिस डू दिस विल मल्टी स्ट्रीम अप्रोच होगी. ठीक है, और उसके बाद एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए कि बैगलेस डे. एक साल भर में एक डे ऐसा मनाएंगे जिसमें हम 10 दिन तक कोई भी बैग नहीं ले जाना आपको स्कूल में.
ठीक है। उसके बाद 4 साल की बैचलर डिग्री होगी, अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो यू कैन जस्ट कंप्लीट इट आफ्टरवर्ड, ठीक है। एंड फी कैप यानी कि जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होंगे वहाँ पर एक फ़ी कैप होगी, सो दैट कि दे कैन नॉट चार्ज एनी अमाउंट, ठीक है। यू नो दैट हाउ मच द फीस इज ऑफ द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, सो दे कांट दे कैन जस्ट चार्ज एनी अमाउंट, एनी एन नंबर ऑफ अमाउंट, सो टू कैप दिस देर विल बी अ फी कैप, ओके। सो दिस दिस इज समथिंग यू शुड नो। सेकेंड इज दी ASER रिपोर्ट, सॉरी, सेकेंड इज दी ASER रिपोर्ट 2022। नाउ वट इज़ दिस रिपोर्ट? दिस रिपोर्ट इज़ दी एनुअल स्टेटस ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट 2022। ये क्या करती है कि जो भी जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, जो स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं छोटे, ठीक है, तो उनकी ये रिपोर्ट लेती है कि कितने बच्चों का इनरोलमेंट हुआ है स्कूल्स में, ठीक है, ख़ास तौर से इन दी रूरल एरिया। तो रूरल एरिया में जो रिपोर्ट्स आती है कि कितने बच्चों ने इनरोल किया है स्कूल में, उसको ये कवर करती है, ठीक है। अब इसने क्या कवर किया है? इसने ये कवर किया है कि वट इज़ द फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट, फाइंडिंग्स, तो रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या हैं, ठीक है। तो रिपोर्ट्स की फाइंडिंग को हम समझते हैं। रिपोर्ट की फाइंडिंग में सबसे पहले आया कि जो भी इनरोलमेंट है, ठीक है, जो भी इनरोलमेंट है ऑफ द स्टूडेंट्स इन द गवर्नमेंट स्कूल हैज़ इंक्रीज्ड, ओके। सो द इनरोलमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द गवर्नमेंट स्कूल्स हैज़ इंक्रीज्ड, तो दिस इज अ गुड पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इज द फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट। नेक्स्ट इज दैट देर हैज़ बिन डिक्रीज इन दी बेसिक रीडिंग एंड न्यूमरेसी स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन दी प्राइमरी लेवल ऑफ द एजुकेशन, मोस्टली इन द रूरल एरिया। तो रूरल एरिया में क्या हुआ है? देर हैज़ बिन डिक्रीज इन द रीडिंग एंड द न्यूमरेसी स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ओके। दिस इज द सेकेंड फाइंडिंग। वट इज द थर्ड फाइंडिंग? थर्ड फाइंडिंग इज दैट देर इज अ डिक्रीज इन द प्रपोर्शन ऑफ द गर्ल्स नॉट इनरोल्ड इन द स्कूल फॉर द एज गैप ऑफ 11 to 14। यानी कि इन द एज गैप ऑफ 11 to 14 द नंबर ऑफ द गर्ल्स नॉट इनरोल्ड इन द स्कूल हैज़ डिक्रीज्ड फ्रॉम 4% to 2%। सो नाउ दिस इज द गुड थिंग बिकॉज दीज आर द दिस इज द परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स दैट आर नॉट इनरोल्ड इन द स्कूल्स, सो दिस हैज़ डिक्रीज्ड नाउ, सो दिस इज द गुड न्यूज, ओके। एंड द थर्ड द फोर्थ स्टेटमेंट इज दैट दैट इट इंडिकेट्स दिस रिपोर्ट इंडिकेट्स दैट द जेंडर इक्वालिटी इन द एजुकेशन हैव बीन इफेक्टिव एंड हेल्प द इंक्रीज इन द इनरोलमेंट ऑफ द गर्ल्स इन द स्कूल। मीन्स ड्यू टू द जेंडर इक्वालिटी, ड्यू टू द जेंडर इक्वालिटी द इक्वल नंबर ऑफ द ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ द गर्ल्स एंड बॉयज आर कमिंग टू स्कूल्स, मीन्स द पेरेंट्स आर नाउ मोर अवेयर टू सेंड देयर डॉटर टू द सेम स्कूल एज ऑफ द बॉय, ओके। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट फाइंडिंग। नेक्स्ट इज एज वी हैव मैंशनड दैट इन द NEP, दैट इज इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, दिस अ प्रोविजन ऑफ द हायर एजुकेशन, ठीक, और इंस्टीट्यूशंस, ओके। सो फॉर दैट वी हैव अनदर सर्वे, एक और सर्वे है हमारे पास, दैट इज द ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ओके। अभी जो पढ़ा हमने क्या था? इट वॉज द ऑल एनुअल स्टेटस ऑफ द एजुकेशनल रिपोर्ट, ठीक है। दिस इज पब्लिश्ड बाई द NGO प्रथम, सो NGO प्रथम पब्लिश दिस रिपोर्ट ऑफ द एनुअल स्टेटस ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑल इंडिया सर्वे ऑन द हायर एजुकेशन, दैट वट इज दिस स्टेटस ऑफ द एजुकेशन इन द हायर इंस्टीट्यूट, ओके, हाउ मेनी पीपल हैव एनरोल्ड। सो नाउ व्हाट इज द फाइंडिंग ऑफ दिस सर्वे? दिस सर्वे इज कंटेन्स द रिपोर्ट ऑफ 2020 to 2021 एंड दिस हैज रिलीज्ड इन द ईयर ऑफ 2023, ओके। नाउ व्हाट इज द फाइंडिंग ऑफ दिस रिपोर्ट? दिस द फाइंडिंग ऑफ दिस रिपोर्ट इज दैट 7.5%
देर इज इंक्रीज ऑफ 7.5% इन द स्टूडेंट इनरोलमेंट, इन द स्टूडेंट इनरोलमेंट मीन्स दिस मच परसेंटेज नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हैव इनरोल्ड इन द स्कूल्स और इन द कॉलेजेस इन कंपेयर टू द लास्ट ईयर ऑफ 2019-20. दिस इज अ गुड साइन. नेक्स्ट इज ओवरऑल देर इज अ 7% इंक्रीज इन द इनरोलमेंट इन द डिस्टेंस एजुकेशन. डिस्टेंस एजुकेशन, सो डिस्टेंस एजुकेशन में क्या हुआ है, देर हैज बीन इंक्रीज्ड ऑफ द 7%. ओके, एंड आर टोटल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इज इंक्रीज्ड बाय 2 पॉइंट एंड रीच्ड टू द परसेंटेज ऑफ नियरली 27%, विच इज अ गुड थिंग. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस रिपोर्ट इज दैट द फीमेल एनरोलमेंट रेशियो, द फीमेल एनरोलमेंट रेशियो हैज इंक्रीज्ड इन द हायर एजुकेशन टू 49% फ्रॉम 45%. दिस इज अ गुड थिंग दैट फीमेल एनरोलमेंट रेशियो मीन्स द नंबर ऑफ द फीमेल एनरोलिंग इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इज नियर अबाउट 49%, विच इज हायर देन 45%, विच इज द डेटा ऑफ द लास्ट ईयर. ओके, नाउ नेक्स्ट सम ऑफ द स्मॉल थिंग्स दैट इज लाइक यू शुड नो दैट द पर्सन विद डिसेबिलिटी, द नंबर ऑफ द पर्सन एनरोल्ड इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट suffering with the person or suffering with some sort of disability is decreased. The number of the Muslims in the higher educational institute has decreased. Okay, and the topmost states that are contributing to the student enrollment is UP, Maharashtra, the Tamil Nadu, the MP, कर्नाटक, राजस्थान. दीज आर द 6 स्टेट हु आर कंट्रीब्यूटिंग मोर इन द स्टूडेंट एनरोलमेंट. ओके, एंड द 6th इज द नंबर ऑफ द यूनिवर्सिटीज हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड मीन्स इन अ ईयर दे आर 70 मोर यूनिवर्सिटीज ओपन्ड एंड 1453 एनी मीन्स 1453 न्यू कॉलेजेस had opened in the last year and 70 new universities. And the last data which is very important is that the number of the female faculty compared to the male faculty is 75 to the 100. Means if there's a 100 male in the higher educational institute who are teaching, in compared to that the 75 females, which is a good number in compared to the last year, which was the 74. Okay, so this is about regarding the two survey I told you here. The first is the annual status of the education report, which is for the primary education mostly in the rural area, and the second is the all India survey on the higher education, which is for the higher education. Okay, so in this video, this is it. Then I'll meet you in the next video. Till then, take care, goodbye. Thank you.